देखो आज कॉनिक सेक्शन स्टार्ट करना है, ठीक है? तो चैप्टर अच्छा है, बड़ा है, इसके सब पार्ट्स भी हैं, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, सब कुछ इसी के अंदर आता है, ठीक है? तो आज हम लोग बेसिकली सर्कल स्टार्ट करेंगे थोड़ा कॉनिक सेक्शन समझ के, ठीक है? देखो कॉनिक सेक्शंस क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, कॉनिक के सेक्शन मतलब कॉनिक के टुकड़े, राइट? कौन सबको पता है क्या होता है? कौन तो सबको पता होगा, बर्थडे कैप देखी है क्या तुमने? मैम आइसक्रीम, आइसक्रीम कोन भी देखा होगा, राइट? लेकिन जब कॉनिक सेक्शंस में हम डील करते हैं ना, तो हम डबल कोन से डील करते हैं, मतलब क्या, एक कोन ऊपर होता है और एक कोन नीचे चिपका होता है, ठीक है? हम लोग ऐसी फिगर के साथ डील करते हैं, समझ रहे हो? इससे डील करते हैं हम, इससे कॉनिक में डील नहीं करते हैं। ये बनता कैसे है पहले ये देख लेते हैं एक बार। सपोज करो एक तुमने रॉड ले रखी है, राइट? एक एक्सिस है, स्ट्रेट लाइन है कोई सीधी सी, उस पे तुमने ना ये रॉड चिपका दी। चिपका दी मतलब तुमने यहाँ पे कील ठोक दी इसमें, ऐसे समझ लो, इसको हिंज कर दिया यहाँ पे, इसको इस पॉइंट पे फिक्स कर दिया, ठीक है? ये मूव कर सकती है, सिर्फ एक पॉइंट पे फिक्स करा है ताकि ये घूम सके। फिर तुमने क्या किया, इस पार्ट पे तुमने क्या कर दिया, इसको उंगली मार के घुमा दिया, ठीक है? तो मुझे ये बताओ, जब ये ब्लू लाइन घूमेगी तो तुम्हें ऊपर भी एक फिगर मिलेगी, नीचे भी, घूमते घूमते इमेजिन करो एक फिगर मिलेगी, ठीक है? किस तरीके की फिगर मिलेगी, ऊपर नीचे? नहीं, सर्कल ये लाइन ऐसे घूमेगी तो क्या तुम्हें इस तरीके की फिगर नहीं मिलेगी? ऐसे 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 घूम रही है, देखो ऐसे ऐसे, ठीक यस मैम यस मैम है? ऊपर भी एक कॉन जनरेट होगा, ठीक है? इस लाइन की वजह से ऊपर भी एक कॉन सा जनरेट होएगा, और नीचे भी क्या होएगा, एक नीचे वाली लाइन की वजह से कॉन जनरेट होगा। दैट मीन्स इस लाइन की वजह से हमारा डबल कॉन जनरेट हो गया। तो इसको इन्होंने नाम क्या दे दिया, इससे जनरेट हो रहा है तो इसको नाम दे दिया जनरेटर, ठीक है? ये जो स्ट्रेट लाइन हमने जिसके अलोंग इसको हिंज किया था, उसको इन्होंने क्या बोल रखा है, एक्सिस। हम अभी जो मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, मैंने एंगल क्या मान रखा है, इस जनरेटर और इस एक्सिस में एंगल याद रखना मैंने क्या माना है, अल्फा, ठीक है? तीन चीजें बताई हैं, एक तो क्या जनरेटर क्या होता है, जिसके अलोंग हमारा डबल कोन जनरेट हो रहा है, ठीक है, जिसको हम घुमा रहे हैं और हमारा कोन बन रहा है। दूसरा क्या, ये स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर मैंने ये जनरेटर क्या कर रखा है, कील से ठोका हुआ है, या यूं लगा लो फिक्स कर रखी है इसकी पोजीशन यहाँ पे, ठीक है? तीसरी क्या, जनरेटर और एक्सिस के बीच में एंगल मैंने क्या माना है, अल्फा। एक और बात, जहां पे तुमने ये कील ठोकी हुई ना, जहां पे तुमने फिक्स कर रखा है ये पॉइंट को, तुम क्या बोलते हो, वर्टेक्स, ठीक है? ये डबल कोन का सिस्टम समझ आया? यस मैम अच्छा इधर आ जाओ। अब देखो कॉनिक सेक्शंस में हम, मैंने बताया मतलब क्या होता है कॉनिक के टुकड़े, मतलब एक डबल कोन लिया, एक प्लेन लिया जो तुम्हें ब्लू कलर की लाइन में दिख रहा है, इस प्लेन का एंगल चेंज कर करके मुझे इस कोन में डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स मिलेंगी, उसको उन्होंने बोल रखा है कॉनिक सेक्शंस। देखो कैसे, पहले तो एक बात बताओ, अभी पीछे पड़ के आयो क्या? सपोज ये डबल कोन है, ये एक्सिस है आपकी, ठीक है? तो ये जनरेटर क्या हो जाएगा इसका, ये वाला हो जाएगा जनरेटर, ये ऐसे ये हो जाएगा आपका, ठीक है? मतलब क्या, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा फिर, अल्फा। जनरेटर और एक्सिस के बीच में कितना एंगल है, अल्फा अल्फा। अल्फा तो तुम मेरे को ये बताओ, अगर मैं प्लेन को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेके इस कोन को कट करूंगी, ठीक है, तो प्लेन और एक्सिस के बीच में एंगल कितना बन रहा है, प्लेन और एक्सिस के बीच में, ये है एक्सिस, देखो बिल्कुल सीधी, और प्लेन क्या है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, एक्सिस है बिल्कुल सीधी, तो एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री, ऑब्वियसली। अब आपको यहाँ तो अल्फा दिखा दिया आपने, प्लेन और एक्सिस के बीच में मैं एंगल किससे दिखा रही हूँ, थीटा से। प्लेन और एक्सिस के बीच में एंगल है थीटा, जनरेटर और एक्सिस के बीच में एंगल है अल्फा, ठीक है? तुमने बोल दिया थीटा कितना है, 90 डिग्री, ठीक है? जब तुम थीटा 90 डिग्री लेके इस कोन को कट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेन, तो तुम्हें एक फिगर मिल रही है। देखो दिख रही है फिगर कटती हुई, यस मैम सर्कल ये दिख रहा होगा? यस मैम तो ये क्या है, सर्कल हाँ ये एक सर्कल कट हो रहा है, ठीक है? मतलब क्या, इस प्लेन की हेल्प से मैंने कोन को कट किया, मैंने एंगल क्या रखा था, 90 डिग्री, तो मेरे को क्या मिल गया, एक सर्कल, ठीक है? दूसरे केस में इन्होंने क्या किया, इस बार तो हमने हॉरिजॉन्टल ले रखा था प्लेन, थोड़ा सा एंगल कम कर दिया, ठीक है? देखो पीछे वाली साइड से एंगल कम हो रहा है, जैसे ही तुमने एंगल कम किया, मतलब थीटा 90 से तो कम हो गया, ठीक है? लेकिन हमने क्या कर रखा है, एंगल जो है थीटा, जनरेटर वाले एंगल से तो बड़ा ही ले रखा है अभी भी, मतलब क्या, अल्फा से बड़ा है, ठीक है? थीटा अल्फा से बड़ा है, 90 से छोटा है। इस केस में आपको एक फिगर भी दिख रही है कटती हुई, लेकिन इस बार वो सर्कल नहीं है, थोड़ा सा सर्कल को खींच रखा है, उसको क्या बोलते हो, डिस्टॉर्टेड सर्कल, मतलब क्या, इलिप्स। सुना है नाम, इलिप्स?
ये वाली फिगर, ठीक है, ये इलिप्स है। अच्छा तीसरे केस में इन्होंने क्या किया, पैराबोला। तीसरे केस में इन्होंने पैराबोला किया, तीसरे केस में इन्होंने थीटा को क्या ले लिया, बिल्कुल जनरेटर वाले एंगल के इक्वल। मतलब क्या, ये जो एंगल बना रही थी ना एक्सिस के साथ लाइन, वही आपका इस बार क्या बना रहा है, प्लेन बना रहा है, किसके साथ, एक्सिस के साथ। तो इस बार जो फिगर कट हो रही है वो क्या हो रही है, ये वाली, ये आपका क्या है, पैराबोला। ठीक है, मतलब क्या, जब हमने प्लेन का एंगल और जनरेटर का एंगल एक्सिस के साथ सेम लिया है उस टाइम पे आपको एक पैराबोला मिल रहा है। फोर्थ केस में ये क्या करेंगे, इस बार प्लेन का एंगल जनरेटर के एंगल से भी छोटा ले लेंगे, मतलब क्या, थीटा को अल्फा से भी छोटा ले लेंगे और जीरो से क्या ले लेंगे, बड़ा। समझ रहे हो? तो इस बार जब हमने एंगल अल्फा से भी छोटा ले लिया ना, मतलब इससे भी छोटा ले लिया, तो आपका इस बार फिगर ऊपर भी कटेगा और नीचे भी, हाइपरबोला। तो इसको आप क्या बोल दोगे, हाइपरबोला। समझ आया? मतलब बेसिकली कॉनिक सेक्शंस में हम डील क्या कर रहे हैं, हम एक डबल कॉन ले रहे हैं, हम प्लेन से फिगर्स कट कर रहे हैं एंगल चेंज कर करके, हमें एक बार सर्कल मिल रहा है, एक बार एलिप्स मिल रहा है, एक बार पैराबोला मिल रहा है, और एक बार क्या मिल रहा है, हाइपरबोला। ठीक है, इसको हमने नाम क्या दे दिया, कॉनिक सेक्शंस, क्योंकि ये कॉनिक के टुकड़े हैं, कॉनिक से कट के आए हैं। ठीक है, अच्छा अभी तक मैंने वर्टेक्स से प्लेन पास नहीं किया, वर्टेक्स मैंने ये वाला पॉइंट बताया था। ठीक है, अभी तक मैंने वर्टेक्स से प्लेन पास नहीं किया है। सपोज करो अगर मैं वर्टेक्स से प्लेन पास करने लग जाऊं, तो इस इनको क्या बोलोगे तुम, डीजनरेट कॉन्स। इस केस में देखो अभी मैंने वर्टेक्स से पास किया और एंगल मेरा क्या है प्लेन का, 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है, पर मैंने अपना प्लेन वर्टेक्स से पास किया है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल, थीटा 90 डिग्री है, तो तुम्हें इस बार क्या क्या मिल रहा है, कटता एक पॉइंट मिलेगा बस, समझ रहे हो, एक पॉइंट, और कोई फिगर नहीं मिलेगी, सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, दूसरे केस में इन्होंने क्या किया, थीटा को अल्फा ले लिया, लेकिन ये प्लेन पास कहां से कर रहा है, आपका वर्टेक्स से, तो आपको ये क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी जनरेट होती हुई। तीसरे केस में क्या किया इन्होंने, अल्फा थीटा को इन्होंने अल्फा से भी छोटा ले लिया और जीरो से बड़ा ले लिया, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, समझ रहे हो, हाँ, इंटरसेक्टिंग लाइंस, समझ रहे हो। अच्छा अगर हम वर्टेक्स से पास नहीं करे तो थीटा इक्वल्स टू अल्फा के केस में क्या मिल रहा था, मतलब बेसिकली तुम्हें कॉनिक सेक्शंस का मतलब समझ आया, मतलब पूछ, मतलब समझा अभी हमने, वो कुछ नहीं किया है। ठीक है, फिगर्स को काट रहे हैं, फिगर को काट रहे हैं एक यूजिंग अ प्लेन, एंगल चेंज कर रहे हैं, कुछ कुछ चीजें मिल रही हैं, फिगर्स मिल रही है, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, और उनको हम अलग अलग स्टडी करेंगे। अब पहले सबसे पहले हम किसको स्टडी करेंगे, सर्कल को। अच्छा देखो ये जो थ्योरी लिखी हुई है ये मैंने तुमको सब समझा दिया है, थोड़ा जब मैं पीपीटी दूंगी तो उसको रीड कर लेना, ये वही चीज है। देखो इन्होंने बीटा ले रखा है, मैंने थीटा लेके सॉल्व करवाया, ये एंगल की रेंज दे रखी है इन्होंने। ठीक है, ये देख लेना इन पर। ठीक है, सर्कल पे आ जाओ। सर्कल क्या होता है, उन पॉइंट्स का कलेक्शन जिनका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। ठीक है, देखो कॉनिक सेक्शन में तुम लोग बहुत सारे क्वेश्चन से डील करोगे जो क्या होंगे, लोकस बेस्ड। मतलब क्या, तुमसे पूछेंगे भाई एक पॉइंट है वो मूव कर रहा है, राइट, अब उधर बेटा वहां आऊंगी, अभी अभी मैं उस पे हूँ, सर्कल पे हूँ, पैराबोला का पूरा एक घंटे का सेशन है, हाइपरबोला का भी है, तो आप वो चीज वहां समझ लेना। ठीक है, अच्छा लोकस क्या होता है, मैंने एक सिंपल वर्ड बताया था तुम्हें, मैम पाथ, पाथ क्या, पाथ। ठीक है, वो क्या कह देंगे, मतलब क्या कहेंगे, एक पॉइंट है उसको बोल देंगे भाई तू कहीं भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है कि तेरा एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। मतलब क्या, फ्रीडम तो दी लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन के साथ दी। मतलब जैसे यूं लगा लो दिल्ली में किसी को कहीं जाना है, उसको बोल दिया भाई तू जा, लेकिन तू ये वाला रास्ता लेके जा, ठीक है, फ्रीडम दी पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी। सपोज यहाँ पे वो पॉइंट ना P1 है, जिसको ये कह रहे हैं भाई तेरे पास फ्रीडम है तू जा, लेकिन तेरा एक फिक्स्ड पॉइंट, सपोज ये फिक्स्ड पॉइंट O है, इसके साथ तेरा डिस्टेंस जो है ना वो हमेशा फिक्स्ड होना चाहिए। मतलब कि अगर ये थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो भी इसका डिस्टेंस इसके साथ जितना ये था उतना ही होना चाहिए, थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो भी इतना ही होना चाहिए, थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो भी इतना ही। मतलब क्या, जितने भी ग्रीन लाइंस हैं ये क्या होनी चाहिए, सारी सेम लेंथ की होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो ऐसे ही ये ट्रेवल करेगा इस तरीके से, इसका डिस्टेंस सेम रहेगा, तो ये घूम के बिल्कुल पी पॉइंट पे दोबारा आ जाएगा, तो ये क्या जनरेट हो जाएगा तुम्हारा, एक सर्कल। ठीक है, सर्कल सर्कल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो
इसमें जो हमने फिक्स्ड पॉइंट माना था वो क्या है बेसिकली? सेंटर है। यस मैम। और जो पॉइंट मूविंग है वो तो कोई भी, चलो आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इस पे तो कोई वो नहीं है। अच्छा जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो क्या है? रेडियस। रेडियस, ठीक है। मतलब ये थोड़ा बेसिक था सर्कल का, ये तुम्हें आ गया है। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें सर्कल की इक्वेशंस की क्या जरूरत पड़ी? जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन में समझाया था कि इक्वेशंस की जरूरत क्यों पड़ती है। अच्छा तुम्हें अगर कोई सर्कल है सपोज, तो किसी को बताना हो भाई ये वाला सर्कल पे जाना, तुम कैसे बताओगे? ये बताओगे भाई इसको सेंटर ये है और वो उस क्वाड्रेंट में है और वो इस एक्सिस को टच कर रहा है और उसके साथ ये हो रहा है उसके साथ ये हो रहा है, मतलब इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन दोगे क्या? No, और एक एक बंदा ये लिख देगा, तो इस इक्वेशन को देख के उसको उस सर्कल के बारे में इंफॉर्मेशन अपने आप पता चल जाएगी, ठीक है? इस इक्वेशन, ये मैं आगे बताऊंगी, इस इक्वेशन को देख के क्या पता चलेगा कि सर्कल का ओरिजिन कहाँ, सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे है, ठीक है, रेडियस कितना है उसका, 4 यूनिट है, ठीक है। मतलब हमें उसको पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एक एक सिंपल इक्वेशन में हम उसको बता देंगे भाई ये वाला सर्कल है और वो अपने आप समझ जाएगा भाई कौन से सर्कल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। तो अभी हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस पढ़ेंगे। इक्वेशन की जरूरत पोजीशन बताने के लिए पड़ती है, पोजीशंस के लिए। पोजीशन जैसे देखो पाथ के लिए तो वैसे आप नाम दे देते हो लोकस, ठीक है। हाँ स्ट्रेट लाइन में कह सकते हो, एक पॉइंट की पोजीशन हम इक्वेशन से पता चल जाती है, कह सकते हो। ऑन सर्कल में क्या पता चलेगा? सर्कल की भी सारी इन्फॉर्मेशन डिपेंड करता है कि आपको दे कैसी इक्वेशन रखी है। अब देखो जैसे ये वाली दे रखी थी, इसमें तो आपको दो ही चीज पता चल रही है, ठीक है। अब आप इसमें पॉइंट पुट कर करके देखोगे तो अलग बात है भैया, आपको फिगर पता चलेगी। लेकिन इसमें पता क्या क्या चल रहा है, एक तो सेंटर क्या है आपका 0 0, एक रेडियस क्या है आपकी 4, ये दो चीज पता चल रही है। तो इसको लेके आप फिगर बना दोगे भाई, सर्कल बन रहा है उसका सेंटर 0 0 है, रेडियस उसकी कितनी है 4, रेडियस 4 है तो तुम देख लोगे भाई ये कोऑर्डिनेट कहाँ कट करेगा इसका, 4 0 पे करेगा, इधर किस पे कट करेगा, -4 0 पे करेगा। मतलब तुम्हें अपने आप इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगी, ठीक है। मैम इक्वल टू के बाद क्या लिखा हुआ था? कहाँ पे बेटा? मैम वो इक्वेशन में x2 + y2 = 16 बेटा, ये मैं बताऊंगी बेटा, इसको नोट मत करो, ये जस्ट एग्जांपल था, ठीक है। ये यहाँ मैं करवाऊंगी अभी। फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन देखो, पहली फॉर्म है सेंटर रेडियस फॉर्म, जो ये मैंने लिखी थी ना, ये सेंटर रेडियस फॉर्म ही है। देखो अगर एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, ठीक है, सेंटर ओरिजिन है मतलब क्या, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके 0 0 हैं। एक पॉइंट मैंने अपना मनपसंद कोई भी ले लिया PXY, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। मेरे को एक बात बताओ, सपोज ये O है और ये है D, ये क्या है? बेस, बेस है। इसकी वैल्यू क्या है इस लेंथ की, OD की वैल्यू? मैम D0 x,0 ये क्या है? बेस। अरे डिस्टेंस पूछ रही हूँ ना, 2 है। अच्छा वहाँ 2 है तो यहाँ x हो जाएगा, राइट? यस मैम। ये कितना हो जाएगा, y? y। अच्छा ये क्या है, OP क्या है सर्कल के अंदर? सर्कल के अंदर देखो ओ रेडियस, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगाएं, हाइपोटेन्यूज थ्योरम बोल रही हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, हाँ देखो ठीक है बेटा, R² = x² + y² लिख सकती हूँ। ये क्या हो गया सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन सर्कल की। अच्छा इस इक्वेशन आपको क्या क्या पता चल गया, जब भी कभी इस फॉर्म में इक्वेशन मिले x² + y² = something, मतलब एक तो वो सर्कल कहाँ, उसका सेंटर कहाँ है ओरिजिन पे, दूसरा क्या सपोज आपको यू दे देगा तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 10, ठीक है। मतलब ये आर स्क्वायर होता है इधर, आर स्क्वायर मतलब ये 10 का स्क्वायर है, मतलब रेडियस कितनी होगी 10, ठीक है। देखो यहाँ हमने सेंटर ओरिजिन पे लिया था, ठीक है, कल को सेंटर ओरिजिन पे नहीं भी हो तो सपोज करो इधर हो गया सर्कल, इस बार सेंटर पे तो नहीं है ओरिजिन, ठीक है। सेंटर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये लोग, तुम भी इसी तरीके से करना, कंफ्यूज मत होना, HK से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। पॉइंट हमने क्या लिया था वही ले लेते हैं, PXY ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो इस बार भी मुझे R की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालोगे, फॉर्मूले से? कुछ फॉर्मूला यू स्लोप
नहीं वो जिसने जिस बच्चे ने ये बोला फॉर्मूले से, तो बेटा फॉर्मूला मतलब इतना इतना स्मार्ट आंसर दिया है, फॉर्मूला बताओ अब आपको पता ही है फॉर्मूले से निकालना है तो। मैम x माइनस x का फॉर्मूला यूज करें प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r, कौन सा फॉर्मूला है ये मैम? इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने का जिसमें सेंटर दिया होता है। अरे बेटा ये डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगा रहे क्या तुम? डिस्टेंस फॉर्मूला से रेडियस आ जाएगा मैम, डिस्टेंस फॉर्मूले से तो ड्राइव हो जाएगा ना। बच्चे को ना पूरा फॉर्मूला याद है पर उसको ये नहीं पता फॉर्मूले का नाम क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हो तुम, r की वैल्यू क्या आ जाएगी? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, राइट? अच्छा स्क्वायर रूट हटाओगे तो ये आ जाएगी इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में। इसमें देखो तुम्हें क्वेश्चन में यू दिया मिलेगा कि सेंटर आपका 2 3 है, ठीक है? सपोज सेंटर आपका 2 3 है, सेंटर 2 3 है मतलब इसमें किस चीज की वैल्यू दे रखी है ये h की और k की, ठीक है? h और k। अगर वो यू बोल दे कि ये सर्कल पास कर रहा है 0.45 से, तो तुम क्या बोलोगे ये किसकी वैल्यूज हैं? x एंड y, x एंड y। एक मिनट रुकना बेटा, हाँ मैं पूछ रही थी अगर 4 5 दे दिया आप लोगों को तो आप क्या बताओगे क्या है? आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम आ रही है। x एंड y, मेरा मतलब 4 5 नहीं, अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया कि एक सर्कल है पास कर रहा है 0.45 से, तो तुम्हें पता चल गया ये x और y की वैल्यूज रखे, राइट? क्योंकि हमने ये देखो ये जो ग्रीन लाइन जा रही है ये इस पॉइंट से पास ही तो कर रही है एक्स वाई से, कर रही है कि नहीं कर रही? इसका मतलब क्वेश्चन में इस तरीके की लैंग्वेज आए तो तुम उसको समझ जाना। चलो तो फिर ये बताओ फटाफट बताओ, ये बिल्कुल एक सेकंड का क्वेश्चन है जस्ट तुम्हारे माइंड को शार्प करने के लिए, फटाफट फटाफट। मैम फर्स्ट है x2 + y2 a, सेंटर ओरिजिन है, रेडियस दे रखी है मतलब r5, तो x2 + y2 = a r2 वाला फार्मूला लगाना, इससे आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है? ये बताओ बताओ बताओ, चलो करो ट्राई। इसमें देखो एक सेंटर दे रखा है, मैंने तुम्हें बता दिया सेंटर लिखते कैसे हैं, एक दे रखा है कि पॉइंट पास कहां से हो रहा है, सॉरी सर्कल पास कहां से हो रहा है, मैंने तुम्हें वो भी बता दिया है कि सर्कल पास कहां से हो रहा है, उसका मतलब क्या होता है? मैं अभी सॉल्व करेंगे, रुक जाइए। हां रुकिए करो, सभी करना ट्राई। तुम ऐसे कोशिश करा करो कि तुम्हारा क्लास में ही हो जाए सारा, तुम्हें दोबारा कॉपी उठाने की जरूरत ना पड़े। मैम आंसर क्या है? आंसर निकालेंगे बेटा, याद नहीं मुझे आंसर क्या है। आपका क्या है? 50 आया है। रूट 50 आया मैम। 5 रूट। मैम रूट 50। रूट 50। रूट 50 क्या आया तुम्हारा? रूट 50 क्वेश्चन में इक्वेशन पूछी हुई है मैम। 5 रूट 2 इक्वेशन 5 रूट 2 आई है, सबकी गलत है। ये तुमने रेडियस निकाली होगी। हाँ ठीक है बुजुर्ग। यस मैम रेडियस। हाँ ठीक है रेडियस, ठीक है पर क्वेश्चन में कुछ और पूछा होगा ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हू सेंटर दे रखा है मतलब एच के की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2 और -1, राइट? विच पासेस थ्रू पॉइंट 3x मतलब पी एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 और 6, ठीक है? तो क्या करो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर लगा दो। मैम इक्वेशन तो यही बन जाएगी ना फिर, क्या उसमें वैल्यू डाल के अगर छोड़ दें तो उतना ही आंसर हो जाएगा? हाँ पर एच और के की वैल्यूज तुम्हें पर... हाँ ठीक बात है, हाँ सही बात है, तो मुझे पूरा आंसर एग्जैक्ट तो बताओ ना फिर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 50। नहीं तुम इसको ऐसे मत छोड़ना स्क्वायर के अंदर, तुम इसको पूरा खोलो, ठीक है? 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर √50। देखो तुम्हारा रेडियस आ गया √50, ठीक है √50 मतलब इसकी जगह तो यहाँ 50 ही आ जाएगा।
इक्वेशन लिखोगे तब क्या करोगे, x माइनस टू का स्क्वायर प्लस y माइनस के कितना है माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 50. इसको पूरा सॉल्व करना, ठीक है, वो इक्वेशन बताना, ऐसे मत छोड़ना, ठीक है, समझ रहे हो? इसको ब्रैकेट को खोल लेना, a माइनस b का होल स्क्वायर खोल लेना, और यहाँ पे भी खोल लेना a प्लस b का होल स्क्वायर, जो जो इक्वेशन बनेगी. अक्सर y की वैल्यूज नहीं रखनी जो नीचे लिखा है आपने लास्ट. नहीं बेटा, इक्वेशन बताते टाइम x और y की वैल्यूज नहीं लिखनी. आपको x और y की वैल्यू सिर्फ तब निकली है जब आपको r की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है? इक्वेशन की वैल्यू इक्वेशन फॉर्म में ला रहे हैं ना, x और y में ही तो लिखते हो ना? यस मैम. ये सिर्फ हमने पॉइंट का जो ये यूज किया है ना, ये सिर्फ आर की वैल्यू निकालने के लिए किया है. अल्टीमेटली रिपोर्ट जो करना है ना तुम्हें एक्स और वाई की टर्म्स में ही करना है, ठीक है? ओके मैम, चले आगे. यस मैम. ये भी बताओ, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, एक सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, देखते याद आना चाहिए. रेडियस 20. अच्छा, एंड सेंटर 5 और माइनस 3. सेंटर तो 5 माइनस 3 मतलब 5 और प्लस 3 √3 आएगा. माइनस 5 और माइनस 3. √3 कैसे आएगा बेटा? रेडियस √3 तो कैसे ही नहीं है. √20. हाँ, root 20. देखो तुम गड़बड़ कर रहे हो. देखो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये होती है इक्वेशन. पहली बात तो यहाँ पे ये r स्क्वायर की जगह लिखा हुआ है, इसका मतलब r की वैल्यू तो √20 आएगी, राइट? एक चीज तो कंफर्म होगी. ये किसने दिया आंसर? ठीक दिया है प्रज्वल ने दिया क्या? हाँ प्रज्वल, ठीक है बेटा. अच्छा, अगर तुम्हें ऐसे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं आ रही तो तुम क्या करो, देखो x माइनस h की जगह लिखा हुआ है x प्लस 5. x माइनस h को इक्वल करो x प्लस 5 के, ठीक है? h की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 5. और फिर क्या करोगे, इसकी जगह लिखा हुआ है ये, इसको कंपेयर कर लो, इक्वल कर दो, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3. मतलब क्या, h की वैल्यू माइनस 5 है और k की वैल्यू कितनी है? 3. तो सेंटर कितना हो गया? माइनस 5 3, और रेडियस कितनी होगी? √20. ठीक है, डायरेक्ट अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो तुम इस तरीके से कर लो, क्योंकि साइन की गड़बड़ होगी. इसमें तुम्हें ऑप्शन देगा ना, वो सारे सेम देगा पर साइन ही अलग देगा, ठीक है? तो हम उसमें वो भी नहीं देख सकते कि हाँ हमने निकाल लिया, बिना साइन के हम लोग कर देंगे, ठीक, ऐसे ही उलझाएगा उसमें. ऐसे कर लेना, ईजी है, ठीक है? चले आगे. यस मैम. यस मैम. चलो ये बताओ फिर, पहले तो मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दो कि एक सर्कल में कितने डायमीटर्स बना सकते हो? इनफिनिटी. उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का जवाब दो कि एक सर्कल में जहां डायमीटर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या होता है? सेंटर. सेंटर, यस. अगर दो डायमीटर्स आपको दे रखे हैं, अगर वो आपको बता दे भाई इंटरसेक्ट यहां कर रहे हैं, तो ये क्या है आपका सेंटर? मतलब क्या, एक पता चलेगी अगर इस लाइन की इक्वेशन, मतलब डायमीटर की को दी हुई हो और इसकी डायमीटर की इक्वेशन मुझे दी हुई हो, दोनों को मैं एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर लूं, जो मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? सेंटर. इतनी चीज समझ आई? अब क्वेश्चन पे आओ. क्वेश्चन बोला कि द लाइन दिस एंड दिस आर डायमीटर्स ऑफ सर्कल. मतलब दो इक्वेशन दे रखी है, दोनों डायमीटर्स की दे रखी है. अगर तुम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा सेंटर निकल आएगा. यस मैम. एक्स और वाई. यस मैम. यस मैम. अच्छा, उसके बाद डायमीटर्स ऑफ, अच्छा उसके बाद क्या दे रखा है? एरिया दे रखा है. देखो आपका सेंटर निकल गया, सर्कल की इक्वेशन के लिए अगर मेरे को रेडियस और मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा. यस मैम. ठीक है, तो रेडियस कैसे मिला? उसके लिए कंडीशन दे रखी है, एरिया दे रखा है, पाई आर स्क्वायर आपको दे रखा है 154. यहां से बहुत इजीली आप आर निकाल सकते हो. ये हो जाएगा आपका 7. आर स्क्वायर की वैल्यू 49 आ गई, तो बेसिकली आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7. ठीक है, उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो कितना आ रहा है, बस तुम कर लोगे. बट स्टिल इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 15. उसको कर लो 2 से, 2x माइनस 8y इज इक्वल टू 14. माइनस प्लस माइनस ये कट गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 1. ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू आ जाएगी 1. यही आ रही है सबकी? यस मैम. ठीक है, मतलब तुम्हें सेंटर मिल गया क्या? 1 माइनस 1. तुम्हें रेडियस मिल गई 7. तो इसमें पुट करना सीधा, तुम्हारा इक्वेशन निकल जाएगी y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. r स्क्वायर तो 49 दे ही रखा है. x माइनस h, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस 1 कितना हो जाएगा? y प्लस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, इसको एक्सपेंड कर लेना, ऐसे ही मत छोड़ के आना, एक्सपेंड करके आंसर देना. चले आ गया सबको क्वेश्चन समझ? यस मैम. मतलब इसमें, इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या लगा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? मैम इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखना, डायमीटर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट. जिस बच्चे को पता है वो कर देगा क्वेश्चन. ठीक है,
ठीक है। अच्छा इससे पहले एक वो करते हैं, ये बता दो पहले ये बोनस क्वेश्चन है, स्क्वायर आएगा ना इसका आंसर? मैम स्क्वायर ही आएगा। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम अपनी आइसक्रीम कोन को लेके उसमें से ऐसे हॉरिजॉन्टल कट मार दोगे तो ऊपर क्या फिगर मिलेगी तुम्हें? मैम वो तो सर्कल आएगा ना। सर्कल आएगा। यस मैम सर्कल आएगा। ठीक है अच्छा ये कर लोगे सेम क्वेश्चन है इक्वेशन सर्कल पासिंग थ्रू दिस एंड हैविंग ठीक है मैम। देखो ऑप्शन हम लोग जब कंपटीशन एग्जाम्स बैठते हैं ना तो हम क्या करते हैं कि ऑप्शंस पुट कर करके देखने लग जाते हैं, पर कई बार क्या होता है जिसकी किस्मत बढ़िया है ना वो तो कर लेगा ठीक है, कई बार क्या होता है चारों ऑप्शंस अलग अलग देते हैं तो हम पुट कर लेंगे हमें आंसर मिल जाएगा, कई बार क्या करते हैं कि कोई दो ऑप्शंस के ना पुट करोगे तो आंसर तुम्हारे ना टू टू सेम ही आ जाएंगे, तुम फंस जाओगे, तुम्हारा डबल टाइम लगेगा, तो वो वहां लक फैक्टर फिर आपका काम करता है कि क्वेश्चन वाला मतलब क्वेश्चन देने वाला ज्यादा समझदार है कि यू ही है। अच्छा ये आपका उससे होएगा, एक मिनट रुको इधर आ जाओ, आप जनरल वाली करते हैं एक बार। देखो जनरल इक्वेशन करते हैं हम, आपने ये पढ़ी है राइट, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर लो एक बार, x जब तुम ये पावर स्क्वायर x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2xh प्लस y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू r स्क्वायर। अच्छा r स्क्वायर को इधर ही ले आओ इस तरफ, माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करो थोड़ा रीअरेंज कर लो टर्म्स को एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक तरफ, फिर क्या करो एच और के वाली क्या बच गई, माइनस टू एक्स एच माइनस टू के वाई, और ये वाली जो है कॉन्स्टेंट टर्म्स ना इनको साइड में कर लो इकट्ठा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया सिर्फ एक्सपेंड किया है, मेरे को ये बताओ क्या तुमने कभी ऐसी कोई इक्वेशन देखी है लिखी हुई? मतलब क्या तुमने कभी ऐसी कोई इक्वेशन लिखी हुई देखी जिसमें 4 प्लस 9 माइनस 2 इस तरीके, वो कैसे? नो मैम। तुम्हें इसमें क्या लिखा हो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 9 प्लस 4 13 माइनस 2 11 प्लस 11, मतलब वो इसको इसी तरीके से लिख के देंगे, ऐसे तो कभी नहीं लिख सकते 4 प्लस 9 माइनस 2। देखो यहाँ पे भी यही चीज है, इन्होंने कॉन्स्टेंट्स को अलग अलग ना वो तो होना चाहिए, मैं वैसे कह रही हूँ कि ऐसे कॉन्स्टेंट अलग अलग करके बिखरे हुए आपको नहीं देगा, वो आपको इस तरीके की वैल्यू देगा, 4 प्लस 9 सॉल्व करके माइनस 2 करके आपको 11 लिखा मिलेगा, वहां कभी भी ऐसे नहीं लिखा मिलेगा 4 प्लस 9 माइनस 2। आपको ऊपर ये जो दिख रहा है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये कुछ कुछ ऐसा ही सीन है ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी ताकि सब लोग एक ही जैसी लिखें, 2fy plus c, इस पूरे की जगह उन्होंने क्या लिख दिया c, और इसको इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया g और f के साथ राइट। अच्छा अब हमें कंपेयर करके देखना पड़ेगा, यहाँ पे तो हमारे सेंटर हमें पता था क्या था, h और k, यहाँ से निकल के आई है इक्वेशन, यहाँ सेंटर h और k था कि नहीं, लेकिन हमें ब्लू लाइन में कहीं h और k दिख रहा है? ब्लू लाइन नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब हमें दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि ब्लू लाइन में सेंटर क्या है एक्चुअली। पहले सी पे आ जाओ एक बार ठीक है, नहीं सी पे मत आओ, पहले इसी पे आओ। देखो एक्स को, एक्स का कोएफिशिएंट इधर क्या है और इधर क्या है उसको कंपेयर करो, ऊपर क्या है माइनस टू एच, नीचे क्या है टू जी, ये सेम होना चाहिए। यहां से तुम्हारी एच की वैल्यू क्या आ गई, आई कि नहीं, माइनस जी आई। यस मैम। इसी तरीके से अगर तुम y के कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो क्या है माइनस टू के इज इक्वल टू टू एफ, k की वैल्यू क्या आ गई माइनस f, माइनस f। मतलब क्या समझ आया, इस फॉर्म में अगर तुम्हें इक्वेशन लिखी मिलेगी तो उसका सेंटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैम। सेंटर क्लियर हुआ सबको? अच्छा यस मैम। अब चलो रेडियस पे, देखो यहाँ c लिखा हुआ है, रेडियस हमारी थी r, मुझे r चाहिए ठीक है, मैं r कैसे लूंगी, अब r को कंपेयर करो कैसे करोगे r को कंपेयर, c किसकी जगह लिखा था मैंने, कांस्टेंट टर्म, देखो मैंने c लिखा था इसकी जगह, c बेसिकली इसकी जगह है प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, मेरे को चाहिए r, r को एक तरफ कर लो, r स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c,
आर की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। लेकिन ब्लू इक्वेशन में तो एच के है ही नहीं, ठीक है, तो मैं जी और एफ की फॉर्म में निकालना चाह रही हूँ। तो मेरे को ये बताओ एच की वैल्यू अभी अभी निकाली है क्या, माइनस जी, तो उसका स्क्वायर करोगे तो जी स्क्वायर ही हो जाएगा। के की वैल्यू तुमने क्या निकाली थी, माइनस एफ, उसका स्क्वायर करोगे तो एफ स्क्वायर और सी एज इट इज। मतलब क्या, ब्लू लाइन को ही तुम्हें दे देगा और पूछेगा भाई इसकी रेडियस बताओ, तो तुम क्या करोगे, पहले जी एफ निकालो, उनका स्क्वायर कर दो, मतलब क्या तुम सेंटर निकाल लो सिर्फ, ठीक है, इनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, माइनस सी करके स्क्वायर रूट कर दो, तुम्हारी क्या निकल जाएगी, रेडियस। समझ आया? यस मैम। ठीक है। अच्छा और क्या करोगे इसमें, किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या बेटा इसमें? नो मैम। अच्छा अगर आपको जी की वैल्यू निकालनी हो, सपोज जी की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन में, तो आप क्या करोगे, देखो x का कोफिशिएंट क्या है, 2g है, माइनस टू का है, 2g है ना, मेरे को g की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे पास ये 2g में मैं अगर हाफ कर दूं तो मेरे को g की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज इस तरीके से कैसे कह रहे हो, देखो 10x लिखा हुआ है, मान लो 10x, अगर मैं 10 का हाफ कर दूं वो किसके इक्वल आएगा, मेरा g के इक्वल आएगा। यस मैम। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को माइनस जी की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या कर दूंगी, माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे को माइनस जी की वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब डायरेक्ट बता देती हूँ क्या, कि अगर आपको इस ब्लू लाइन में इक्वेशन, इस ब्लू लाइन में आपको सेंटर निकालने को बोले ना, तो आप क्या करना, फटाफट एक्स का कोएफिशिएंट देखना, उसको माइनस वन बाय टू से डिवाइड कर देना, ठीक है, फटाफट वाई का कोएफिशिएंट देखना, उसको माइनस वन बाय टू से मल्टीप्लाई कर देना, सॉरी इधर भी मल्टीप्लाई करना, इधर भी मल्टीप्लाई करना, और एक बीच में कॉमा लगा के उसको बता देना भाई हाँ ये क्या है आपका सेंटर है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बताऊंगी डायरेक्ट आपको, देखो इसमें क्वेश्चन ले रखा है मैंने, बिल्कुल एक सेकंड का काम है सेंटर निकालना, ये वाला। इसमें देखो आप, ये पहले मेरे को ये बताओ क्या ये उसी इक्वेशन फॉर्म की इक्वेशन दिख रही है तुम्हें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, राइट, इसकी जगह ये लिखा हुआ है, इसकी जगह ये लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, वाई स्क्वायर भी एज इट इज है, ठीक है। सेंटर पूछ रखा है तुमसे, मैंने तुम्हें क्या कहा था सेंटर बताने के लिए, तुम क्या करोगे, माइनस वन बाय टू से, माइनस वन बाय टू से, ठीक है, क्योंकि सेंटर होता है माइनस जी माइनस है, ठीक है, इसीलिए माइनस वन बाय टू से कर रहे हैं। एक्स का कोफिशियंट क्या है यहाँ पे, माइनस फोर, माइनस फोर को करो माइनस वन बाय टू से। वाई का कितना है, माइनस टेन, माइनस टेन को करो माइनस वन बाय टू से। आ गया सबका समझ, आया किस तरीके से निकालना है सेंटर? यस मैम। अच्छा तो अभी अगर तुमसे कोई रेडियस पूछ ले यहाँ पे, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या था, रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी की वैल्यू क्या है, देखो जी की कुछ भी वैल्यू तुम माइनस जी ले लो, माइनस जी ले लो, सेंटर लो तुम, ठीक है, माइनस जी माइनस एफ लो, लेकिन तुम स्क्वायर करोगे तो वही बात है, पॉजिटिव ही रहना, ठीक है, यही पुट कर दो यहाँ पे, क्या 2 to the 4 प्लस 5 5 25, और c कितना है आपका, माइनस 4, ठीक है, बेसिकली रूट 25 कितना हो जाएगा, 5। सेंटर और रेडियस निकालना है। यस मैम। अब एक अच्छा क्वेश्चन है उस पे चलते हैं, ये देखो ये वाला, वैसे तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट तुम्हें याद करना है, बट अभी मैं ये बताऊंगी कि निकल के कहां से आया है, कल को तुम कोई भी एग्जाम दोगे उसमें तुम्हें डायरेक्ट वो चीज याद होनी चाहिए। देखो पहले लिखा क्या हुआ है इसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0 0। अच्छा 0 0 से पास कर रही है, ठीक है, मतलब सर्कमफ्रेंस पे एक 0 0 पॉइंट होगा, यहां से पास कर रहा है सर्कल, ठीक है। फिर उसने क्या बोला है, मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेप्ट बना है ये एक्स एक्सिस पे, ए मान लो इसको, इसको मान लो क्या बी। मेरे को ये बताओ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट तो तुम्हें पता ही है 0 0 है। इस तरीके से कौन समझाता है मैम को, एक का भी आंसर नहीं समझ रहा है। अच्छा तुम्हें तीन पॉइंट्स दिख रहे हैं सर्कल पे, 0 b 0 0 a 0। एक बार उधर आ जाओ, इक्वेशन क्या होती है जनरल फॉर्म में सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यही होती है। अगर इस इक्वेशन में मेरे को g की वैल्यू, f की वैल्यू और c की वैल्यू मिल जाती है, तो मेरी इक्वेशन में मैं पुट करके उसका आंसर बता सकती हूँ, है ना?
जी एफ और सी की वैल्यू मैं निकाल लेती हूँ कहीं से, और मैं फिर ये जी एफ और सी की वैल्यू यहाँ रख दूंगी इस इक्वेशन में, तो मेरी इक्वेशन मिल जाएगी सर्कल की, कुछ और तो नहीं है ना ऐसा जो हमें पता करना है। तो हम कैसे पता करेंगे, तो तीन पॉइंट्स गिवन है, क्या करो पुट करो, सबसे बड़े वाला तरीका बता रही हूँ, थोड़ा छोटा बताऊंगी। क्या करो, पहले जीरो जीरो पुट कर लो, जब तुम एक्स और वाई को जीरो जीरो पुट करोगे तो जीरो 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 सिर्फ सी आएगा, तो सी क्या आ जाएगा आपका जीरो, मतलब एक की अननोन की वैल्यू तुम्हें मिलगी। ठीक है, सी को जीरो पुट कर दो एक बार इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या करो, ए जीरो पुट कर लो, ए जीरो मतलब क्या, एक्स की जगह ए पुट करो, वाई की जगह जीरो, एक्स की जगह ए पुट करोगे तो ए स्क्वायर, इसकी जगह जीरो, ये हो जाएगा टू जी ए, ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस टू जी ए, ए कॉमन ले लो, ए प्लस टू जी राइट इज इक्वल टू जीरो। क्या इंटरसेप्ट जीरो है, इंटरसेप्ट जीरो हो सकता है, इंटरसेप्ट जीरो नहीं है। ठीक है, तो ए प्लस टू जी इज इक्वल टू जीरो हो गया, टू जी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ए, इसको कर लो मार्क। इसी तरीके से अगर मैं एक और पॉइंट जीरो भी लिख दू, रख दू, पुट कर दू इसमें, तो एक और मेरे को वैल्यू मिलेगी। देखो, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करो और वाई की वैल्यू बी पुट करो, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस बी स्क्वायर प्लस ये जीरो हो जाएगा टू जी एक्स, और टू एफ वाई क्या हो जाएगा, टू एफ बी इज इक्वल टू जीरो। सेम वही बी कॉमन ले लो, बी प्लस टू एफ इज इक्वल टू जीरो, टू एफ की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी। ठीक है, अब तुम इक्वेशन में पुट कर दो, तुम्हें सब कुछ मिल गया। देखो इधर आओ, इसमें आओ, सी तो तुम्हारा जीरो ही हो गया था, इसमें पुट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टू जी की वैल्यू कितनी निकाली है, माइनस ए, माइनस ए एक्स, टू एफ की वैल्यू कितनी निकाली है, माइनस बी, माइनस बी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन। समझ आया सभी को? यस मैम। क्लियर है, आपको ये डायरेक्ट याद करनी है कि एक सर्कल है वो ओरिजिन से पास कर रहा है और एक्सिस पे इंटरसेप्ट काट रहा है, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू जीरो। कल के बाद आप ये पूरा मेथड नहीं करोगे, डायरेक्ट इसी तरीके से करना है। हाँ प्रज्वल बेटा, डायमीटर फॉर्म नहीं बताइए अभी, आई विल टेल यू, बताऊंगी अभी। ठीक है, वेट करा करो थोड़ा, इतना आगे आगे क्यों भागते रहते हो सारा टाइम। देखो ये एक एक मेथड और भी है, उससे भी हो सकता है। क्या भाई, तुम्हें पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है, राइट? ठीक है, अगर तुम यहां से यहां इसको ज्वाइन कर दो सपोज, तो एंगल इन सेमी सर्कल पढ़ रखा है तुमने, ये 90 होता है ऐसा कुछ पढ़ रखा है क्या? यस मैम, वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। अच्छा, तो एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है तो ये डायमीटर हो जाता है तुम्हारा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डायमीटर। ठीक है, डायमीटर की लेंथ कैसे निकाल सकते हो, दो पॉइंट्स दे रखे हैं, दे रखे हैं। देखो तीन मेथड बताऊंगी, एक मैं बता चुकी हूँ, एक प्रज्वल लिख रहा है डायमीटर फॉर्म वो बताऊंगी, एक और बता रही हूँ भाई, किसी को कुछ याद ही ना रहे फॉर्मूला तो बता रही हूँ। देखो ये क्या हो गया, आपको पता चल गया डायमीटर हो गया, राइट? ये ग्रीन लाइन डायमीटर होगी, डायमीटर के एंड पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके मेरे को ये डायमीटर की क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी। अगर मुझे डायमीटर की लेंथ मिल गई तो मेरे को आर निकालना आ जाएगा, डिवाइड बाय टू कर दूंगी। रेडियस, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, मतलब मुझे रेडियस मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा मेरे को एक सेंटर और मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा रेडियस। सेंटर कैसे निकालोगे, तुम्हें पता है कि डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर होता है मैम, सेंटर। सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके तुम ये मिड पॉइंट नहीं निकाल सकते। यस मैम, सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया और इक्वेशन मिल जाएगी। अच्छा, अब जो प्रज्वल कह रहा वहां चलते हैं। देखो क्या है, जब भी डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दे रखे हो ना एंड पॉइंट्स के, तो तुम डायरेक्ट भी एक फार्मूला लगा सकते हो। लो इधर आ जाओ, सपोज देखो ये है, ये आपका डायमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन होगा कि आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। सपोज एक पॉइंट पी है, ठीक है, मैंने कह दिया ये एंगल इन सेमी सर्कल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, मेरे को ये बताओ, सपोज ये ए है और ये बी है, क्या ए पी और पी बी परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? Yes, तो दो परपेंडिकुलर लाइन में स्ट्रेट लाइन में क्या कांसेप्ट पड़ के आए हो कि उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस वन। तो तुम क्या करो, इसका स्लोप निकालो, क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन अपॉन में एक्स माइनस एक्स वन इज इन टू में y माइनस वाई टू अपॉन में
x माइनस एक्स टू इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा माइनस वन के. इतनी बात समझ आई सबको? m1 into m2 is equals to minus 1 वाला कॉन्सेप्ट यूज किया. क्या करो थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, y माइनस y1 into y माइनस y2 is equals to minus of x माइनस x1 into x माइनस x2. ठीक है, ये वाला नेगेटिव पार्ट उधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 is equals to zero. क्या करे क्या करोगे तुम, तुम्हें x1 x2 की वैल्यू मिलेगी, ये मिलेगा तुम्हें x1 y1 मिला होगा, x2 y2 तुम्हें दिया होगा, तुम क्या करना इस इक्वेशन में पुट कर देना, ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व कर लेना, तुम्हें इक्वेशन मिल जाएगी. समझ आया? तीन मेथड मैम सीधा डिस्टेंस फार्मूला से आ जाएगा. हां नहीं बेटा, कई लोगों को ये डायरेक्ट भी अच्छा लगता है, मतलब कई लोगों को ऐसे सेट हो जाता दिमाग की डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे तो फटाफट फार्मूला लगा के सॉल्व कर दो. ठीक है, डिपेंड करता है आप लोगों को याद क्या आ रहा है. मैंने तीन मेथड बता दिए, तीनों में से कोई भी कर सकते हो. अच्छा मैंने मेथड्स तो बता दिए, तुम ये चीज याद कर लेना. मैंने रब कर दिया गया, एक मिनट, ये वाला ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. ठीक है, x square plus y square minus ax minus by is equals to zero. ठीक है चलो आगे चलते हैं. अच्छा अब इनमें से देखो सारे क्वेश्चन कर पाओगे तुम, फटाफट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर दे रखा है, रेडियस दे रखी है, निकाल लोगे? यस मैम. ठीक है, सेंटर दे रखा है मतलब h के दे रखा है. ठीक है, x minus h का होल स्क्वायर प्लस y minus k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर में पुट करना. ये फिर वही इसमें तुम्हें ऑब्जर्व करना. चलो इसमें तो ऑब्जर्व करके बताई दो, सेंटर क्या है, रेडियस क्या है? रेडियस फॉर सेंटर है माइनस थ्री और थ्री और माइनस वन सेंटर है थ्री और माइनस वन. ठीक है, जिसको नहीं आ रहा हो क्या करना है, एक्स माइनस थ्री को एक्स माइनस एच के इक्वल पुट करो. रेडियस है रूट 16. हाँ रूट 16 माइनस 4. अच्छा थर्ड पे चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, रेडियस दे रखी है, हुज सेंटर लाइज ऑन द वाई एक्सिस एंड व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 32. ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया क्या तुम्हें? एक मिनट रुकना, एक मिस हो गया आई थिंक, ये कहां गया? ये रहा. चलो ये बताओ, सिक्स तो एक ट्राई कर लो, दूसरा सेम है, सिक्स का आंसर बता दो बस मुझे. दो पॉइंट्स दे रखे जैसे सर्कल पास कर रहा है और सेंटर है x एक्सिस. पहली बात तो यही आ जाओ, सेंटर है x एक्सिस पे, तो सेंटर किस तरीके का होएगा? वैसे तो सेंटर h के होता है, पर इसने बोला है, इसने बोला है x एक्सिस पे, तो y कोऑर्डिनेट तो जीरो होता है x एक्सिस पे, मतलब ये तो जीरो हो जाएगा, मतलब h कोमा जीरो. इतनी बात तो पता चल गई. ठीक है, अब क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? देखो दो तरीके हैं. क्या भाई, तुम्हें यूं बोल रखा है कि सेंटर है h, 0, ठीक है, और दो पॉइंट दे दिए, सपोज ये 0, 4 है और ये 2, 0 है, सपोज कर लो, तो तुम्हें पता है ये क्या है? रेडियस. ये क्या है? रेडियस. ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला करके दोनों निकाल सकते हो, और दोनों रेडियस हैं तो इक्वेशन इक्वल कर दोगे. देखो तुम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ये निकालो. ठीक है, मुझे कुछ आ रहा है, सपोज ये a आ रही है लेंथ इसकी. ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके तुम ये निकालोगे b आ रहा है, तो क्या a इक्वल टू b नहीं है क्या? अरे है तो दोनों रेडियस ही, ठीक है, दोनों को इक्वेट करना. दूसरा तरीका क्या है, वो थोड़ा लंबा है, ठीक है, पर बता देती हूँ क्या. वो जो तुम अपनी इक्वेशंस यूज करके करते हो ना, वो वाला है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. अच्छा यहाँ क्या दे रखा है तुम्हें? पहली बात तो तुम्हें h जीरो दे रखा था, यही था ना, x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट जीरो है, मतलब ये जीरो है, k जीरो है. ठीक है, तो k को जीरो पहले ही कर दो, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. अब इसने क्या कहा है कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो एक बार x y की जगह 2 0 रख दो, 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. एक बार ये वाला पॉइंट रख दो इसमें, 0 माइनस h का होल स्क्वायर, ये क्या था, 4 था क्या, प्लस 4 का, ये देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. ये भी r स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी r स्क्वायर की वैल्यू, बेसिकली निकल के तो वही आना है, r स्क्वायर दोनों इक्वल हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड भी, दैट मींस 2 माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, h स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के. हो गया, ये समझ आ रहा है बेटा? समझ आ रहा है? तो पेपर से जा रहा है, तुम्हारा ठीक है? जो बच्चे चुपचाप बैठे उनसे पूछ रही हूं. यस मैम, क्लियर. तो तुम ये क्या करोगे, ब्रैकेट सॉल्व कर लो इसको, h स्क्वायर माइनस 4h इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 लिख लो डायरेक्ट. ये कट गया, यहां से 4 को मैं ले लो, 1 माइनस h इक्वल्स टू 16, तो h की वैल्यू बेसिकली तुम्हारी कितनी आ जाएगी, माइनस 3. ठीक है, h की वैल्यू माइनस 3 क्या करोगे, इसी में पुट कर दो,
जब यहाँ पुट करोगे तो 9 + 16 = r² तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, ये 25 हो जाएगा, r स्क्वायर की वैल्यू 25 तो r की वैल्यू कितनी आएगी 5। राजवीर बेटा देखो मैंने क्या किया है, आपको पता है सर्कल की इक्वेशन ये होती है, ठीक है, इन्होंने बोल दिया सेंटर ये है, ठीक है, k की वैल्यू 0 है क्योंकि x एक्सिस पे सेंटर लाए कर रहा है, ठीक है, इधर इधर सेंटर लाए कर रहा है, तो इधर क्या होता है y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, दैट मींस आपकी k की वैल्यू 0 है, तो मैंने k की वैल्यू पहले ही 0 पुट कर दी, तो मेरी निकल के आ गई ये वाली इक्वेशन। फिर इसने बोला है कि दो पॉइंट से पास कर रहा है आपका सर्कल, एक तो 20 से एक 04 से, ठीक है, पहले मैंने 20 रख दिया, मतलब क्या किया मैंने x की जगह 2 रख दिया, y की जगह 0 रख दिया, तो मेरी इक्वेशन बन गई ये वाली। फिर मैंने क्या किया x की जगह 0 रख दिया, y की जगह 4 रख दिया, तो मेरी इक्वेशन बन गई ये वाली। दोनों मेरी वैल्यूज किसकी है r स्क्वायर की, तो जब दोनों आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस आपके ऑटोमेटिकली इक्वल हो गए, इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका इक्वल। इक्वल करके मैंने एच की वैल्यू निकाल ली, ये एच की वैल्यू मैंने फिर दोबारा इसमें पुट कर दी इक्वेशन में, मेरी आर की वैल्यू निकल आई, ठीक है, इससे इजी मेथड था वो पहले वाला भी सेम है ना, y 0, y सेम, हां सेम आंसर भी सेम आएगा, ये वाला मेथड आई थिंक ज्यादा इजी है ये वाला, ठीक है, क्यों घुमा रहे हैं बात को, जब पता है भाई दोनों रेडियस है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके, ये 20 है सपोज, ये तुम्हारा h 0 था, डिस्टेंस फार्मूला यूज करो, यूज करो और अपना आंसर बताओ, ठीक है बेटा। मैं फास्ट चल रही हूँ क्या? नो मैम। तो मैम सही तो चल रही हूँ। प्रियांशु बेटा आपको अगर समझ नहीं आया तो दोबारा देखते हैं, क्या करूँगा प्रियांशु, कई बच्चों को होता है ये, लगती है फास्ट, बट हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा चलूँ स्लो, पहले से फर्क पड़ा है ऐसे मत बोलो। ये वाला बताओ प्रियांशु, अगर आपको ज्यादा ही फास्ट लगता है तो आप मेरे को बोल दिया करो, कुछ क्वेश्चंस में आपको दिक्कत हो ना तो मैं लास्ट में बता दिया करूंगी फिर क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है, इतना मैं कर सकती हूँ, पर आप मेरे को बता दो एक बार तो मैं बाद में समझा दूं। मेरे को बताओ ये फोर्थ क्वेश्चन कर लोगे? सेम मैंने करा दिया है तुम्हें, डायमीटर की इक्वेशंस दे रखी है, सॉल्व करोगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है डायमीटर्स का? सेंटर। सेंटर, ठीक है, फिर एरिया दे रखा है, यहाँ से तुम आर की वैल्यू निकाल लेना। ये मैम वही सेम वाला क्वेश्चन है। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच पास थ्रू दिस एंड सेंटर। अच्छा, ये भी कर लोगे? इससे पास कर रहा है, ये पी एक्स वाई दे रखा है बेसिकली, और ये क्या दे रखा है एच के, ठीक है, ये हो गया, ये मैं कल कराऊंगा, नेक्स्ट लेसन में कराऊंगी, एक मिनट। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और बता देती हूँ छोटा सा, ठीक है, अगर तुम्हें पोजिशन ऑफ पॉइंट पता करनी होगी, सर्कल के अंदर है पॉइंट, बाहर है पॉइंट, या फिर सर्कल के ऊपर है, तो तुम कैसे पता करोगे? देखो सपोज एक सर्कल है, ठीक है, और ये तुम्हारी रेडियस है सर्कल की, ठीक है, अगर कोई पॉइंट अंदर लाए कर रहा है, सपोज पॉइंट अंदर लाए कर रहा है, तो जब तुम पॉइंट से डिस्टेंस निकालोगे तो तुम्हारा रेडियस के, जो तुम्हारी रेडियस है, क्या वो डिस्टेंस रेडियस से छोटा आएगा? उसका मतलब कोई भी पॉइंट दे रखा हो, कोई भी पॉइंट दे रखा हो, तुम सेंटर से उसका डिस्टेंस निकालना, अगर वो रेडियस से छोटा आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट कहाँ है तुम्हारा? सर्कल के अंदर। अगर वो इधर सर्कमफेरेंस पे ही हो गया, इसका मतलब पॉइंट रेडियस ही है, पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस और रेडियस तुम्हारी इक्वल हो जाएगी, इसका मतलब अगर तुम सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस निकालोगे और वो रेडियस के इक्वल आ रहा है, दैट मींस पॉइंट आपका सर्कल के ऊपर लाए कर रहा है, ठीक है, और तीसरा केस तो तुम समझ गए होगे, रेडियस से बड़ा बाहर लाए कर रहा है, ठीक है, इस बार तुम जब सेंटर का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालोगे ना, तो तुम्हारी रेडियस, देखो रेडियस तो इतनी ही है, डिस्टेंस बड़ा आएगा, ठीक है, मतलब तुम सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस निकालना, अगर रेडियस से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट कहाँ लाए कर रहा है तुम्हारा? आउटसाइड द सर्कल, बाहर। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें वो दिखा दिया था क्या, ये ऑर्थो सेंटर और वो वाला पार्ट? यस मैम।